जोगिंदरनगर शहर में मनाए जा रहे गणपति महाराज के उत्सव की आठवीं संध्या में गणपति बप्पा के दोनों ही पंडालों में सैकड़ों भक्तजनों ने अपनी भक्ति की भावपूर्ण हाजिरी लगाई। महाआरती करने के बाद भक्तों ने जोगिंदरनगर के बेहतरीन कलाकार अजीत ने अपने भजनों से पंडाल में सैकड़ों भक्तजनों का दिल जीता। साथ ही गणपति सेवा समिति ने मुख्य अतिथि माइंड कॉर्पोरेशन अकादमी के संस्थापक राम प्रकाश ठाकुर, जिला मंडी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष गुरु शरण परमार, सीडी बैंक जोगिंदरनगर के ब्रांच मैनेजर निर्मल महंत, रामनाथ ठाकुर, लक्की को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। शहर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सजे पंडालों में भीड़ को बढ़ता देख पुलिस प्रशासन द्वारा भी शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गणेश सेवा समिति के प्रधान राज ठाकुर ने बताया कि यहां प्रतिदिन लंगर का भी आयोजन किया जाता है। 17 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा के साथ गणपति की प्रतिमा का विसर्जन बड़ोन खड में किया जाएगा। वो घर में कुछ चीजें होती है हमारे घर में जो फेंक देने के लिए होती है, जैसे कि कूड़ा हो गया, करकट हो गया, पुराने फटे कपड़े हो गए, पुरानी तस्वीरें हो गई, और कुछ चीजें होती है जो घर में सजाने के लिए होती है, जैसे फूल हो गया, गुलदस्ता हो गया या अच्छी नई तस्वीरें हो गई। अब कुछ चीजें अगर फेंकने के लिए है और कुछ जो फेंकने के लिए होती है, जैसे नेगेटिविटी, दूसरे के बारे में आलोचना करना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, दूसरे की बुराई करना, वो हमें अपने दिमाग नाम के घर से, मन नाम के घर से निकाल देनी चाहिए। और कुछ चीजें होती है जो हमें रखनी चाहिए, जैसे हम आज भगवान के चरणों में आए हैं तो यहाँ पे आकर के हम नेगेटिव नहीं सोचते, यहाँ हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, वो चीजें हमें जीवन में रखनी चाहिए। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।